टू इन हाउ आर यू, हाउ आर यू, नासिक में लाइट नहीं है बेटा, कोई बात नहीं, नासिक में लाइट क्यों नहीं है, बारिश बहुत है क्या? नहीं यार, मनन सिर्फ टॉस देखा, दैट इंडिया लॉस्ट, फिर मैं सो गया। लेक्चर था तुम लोगों का, उसके पहले एक लेक्चर था, सो इन बिटवीन एक नैप हो गया। नो रेन नो लाइट, अबे नासिक में लाइट फिर क्यों चली गई? चलो, आई एम डूइंग गुड, हाउ आर किड्स डूइंग, सभी लोग क्या हाल चाल, हाउ आर किड्स डूइंग। चलो हम लोग क्या कर, SN1 SN2 रिवाइज किया। ओके ओके, SN1 SN2 रिवाइज कर लिया सभी ने, नोट्स पढ़ रहे हो, अंधेरी वाकड़े स्टूडेंट्स नोट्स पढ़ रहे हो, बोरिवली विले पार्ले नासिक औरंगाबाद, नोट समझ में आ रहा है? मंडे को एडवांस्ड का लेक्चर होगा, ओके, मंडे एडवांस्ड का लेक्चर होगा। आइसोमेरिज्म सॉल्व किया, 31 क्वेश्चन, एडवांस्ड वाले बच्चे, ऋषिकेश दैट्स गुड दैट्स गुड, एडवांस्ड वाले बच्चे, या दैट्स गुड। क्वेश्चन अच्छी कैटेगरी का है, क्वेश्चन फिर से मैं बताता हूँ, क्वेश्चन अच्छी कैटेगरी का है तो उसे जरूर अटेम्प्ट करें। ओके, क्या हमने SN1 SN2 कर लिया था? डिड वी डू SN1? या SN1 SN2 हो गया था ना, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन, SN2 पूरा हो गया था ना, SN2 पूरा हो गया था ना, SN1 एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। या SN1 गोइंग ऑन। अरे प्रणव, मेरे पास बहुत किताबें हैं बेटा, तो तुमको हर किताब लेके और उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है? उनको अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन इजी भी हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उस बुक से सिर्फ तुम्हें बेस लेवल के क्वेश्चंस दिए। ओके, बेस लेवल के क्वेश्चंस दिए, उसका एडवांस लेवल क्वेश्चन अभी बाकी है। बेस लेवल क्वेश्चन से कंफर्टेबल हो जाओ, फिर मैं एडवांस करा दूंगा, ठीक है? जस्ट एक्सक्यूज मी 1 मिनट। ओके, लेट्स कंटिन्यू। SN1 इज सिंगल स्टेज रिएक्शन या मल्टी स्टेज रिएक्शन? कम ऑन, SN1 अथर्व कंप्लीट कर लो, फिर मैं उसका डिस्कशन ये कर लूंगा। स्मार्ट। ओके, मल्टी स्टेज रिएक्शन है, दैट्स ट्रू। कोमल स्मार्ट है एकदम। चलो ओके, सो वी डिड एनर्जी डायग्राम। ओके, SN1 पे आ जाओ, एनर्जी डायग्राम की बात की, तो मुझे एक बात बताओ, SN1 रिएक्शन में क्या कोई चार्ज फॉर्म हो रहा था? SN1 रिएक्शन में क्या कोई चार्ज फॉर्म हो रहा था? नो, SN1 में चार्ज नहीं बन रहा था, सिर्फ
सीरियसली SN1 वॉज विदाउट चार्ज, भाई ऐसे मत करो. SN1 वॉज विद चार्ज. वॉट वॉज द चार्ज फॉर्म, वॉट वॉज द चार्ज फॉर्म्ड? पॉजिटिव चार्ज था ना, तो रीअरेंजमेंट तो हो ही सकता है. कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन रीअरेंजमेंट हो सकता है. सो आई विल गिव यू वन क्वेश्चन एंड टेल मी. द क्वेश्चन इज एकदम क्रिस्टल क्लियर, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड. ओके, सो आई डोंट नो वेदर मैंने कराया था या नहीं कराया था ये रिएक्शन. I am taking KOH, a nucleophile in aqueous medium. Please understand. Aqueous medium बोला है, मतलब water है. मतलब पहला solvent को लेके पहला point जो click हो रहा था, पहला point click हुआ था solvent को लेके. तो ये कौन सा solvent? Shriya, we are doing reaction mechanism. मैं एक SN1 कराने के बाद एक sample question दिया है मैंने. या तो वाटर इज पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट. बराबर, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट. ओके, नाउ यू हैव टू टेल मी सो प्रणव, यू गिव मी राइट रीजन. ओके, यू गिव मी राइट रीजन दैट रेट स्लो डाउन हो जाएगा क्योंकि ये जाके न्यूक्लियोफाइल को, मैं इसको NU लिख देता हूं क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है. तो ये प्रोटिक सॉल्वेंट उसको नलीफा, मतलब उसको शांत करने की कोशिश करेगा. तो अब रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंडेंट होगा या नहीं होगा, ये आक्रमण करेगा या नहीं करेगा, जल्दी 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 आक्रमण करेगा नहीं कर पाएगा, यानी इस रिएक्शन को हम ले जाएंगे SN1 मैकेनिज्म. माय क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर डैश. एंजॉय. ऋतुजा, NU पे डिपेंडेंट नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ इसके ऊपर रेट डिपेंडेंट है, इसलिए SN1. ऋतुजा, यू सेड न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंडेंट होगा. I am saying कि वो सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट होगा. ऋतुजा मेरी बात समझो, ये इसको एक्वस मीडियम घेर के खड़ा है, ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है. ओके, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, यानी SN1 और SN2 के रास्ते जाएगा. तो ये कौन डिसाइड करेगा कि ये रिएक्शन, क्योंकि 2 डिग्री भी SN1 दिखा सकता है, 2 डिग्री SN2 भी दिखा सकता है. ठीक है अजिंक्या, यू आर ऑन राइट ट्रैक, वेरी गुड, कंटिन्यू थिंकिंग ऑन द सेम ट्रैक. सो अब 2 डिग्री SN1 भी दिखाता है, 2 डिग्री SN2 भी दिखाता है. तो हु इज गोइंग टू गाइड अस कि मैं SN1 जाऊं या SN2 जाऊं? प्रणव, यू आर करेक्ट. Come on, solvent, Rishi, that's correct. Solvent decide करेगा. So solvent कौन सा है, polar protic है या polar aprotic है? Polar protic, Zayan, that's correct. Last time नहीं था Zayan तू lecture में, polar protic है. अगर polar protic है तो कौन से रास्ते से जाएगा? SN1, Rishi, that's correct. SN1. अरे कौन सा पेज नंबर है भाई, ये नोट का जरा बता दो. Somebody is asking, मतलब मैं I have not carried the notes today. So tell me, कौन सा पेज नंबर? Okay, चलो ठीक है. Okay, good job, Zayan. चलो, so अब तुम SN1 करो. जब मैं SN1 कह रहा हूं तो सभी के दिमाग का बल्ब जलेगा कि अगर SN1 है तो ऑफकोर्स ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा. अगर पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो ये रीअरेंजमेंट दिखाएगा. अगर रीअरेंजमेंट दिखाएगा तो नाउ यू गिव मी द प्रोडक्ट. कम ऑन, जल्दी जल्दी जल्दी. आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन फिनिश कर देंगे, मंडे को हम लोग एलिमिनेशन शुरू करेंगे.
कम ऑन गाइस, कम ऑन, आरएम जल्दी खत्म होने वाला है, आइसोमेरिज्म फटाफट क्लियर करो। अजिंक्य स्टेन टोटल 6 प्रोडक्ट आएगा, अजिंक्य के हिसाब से टोटल 6 प्रोडक्ट आने वाले। अजिंक्य आई होप यू सेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट राइट, आई होप यू सेड। ऋषि स्टेन 2 प्रोडक्ट विच आई अग्री ऋषि विथ योर आंसर, आई अग्री विथ योर आंसर ऋषि, आंसर इज 2। प्रणव ऑल्सो सेज आंसर इज 2, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। आयुष ऑल्सो सेज आंसर इज 2, दैट्स करेक्ट ऋतुजा, दैट्स करेक्ट ऋतुजा, दैट्स करेक्ट। हिमांशु फ्रॉम नाशिक ऑल्सो सेज इट्स 2, श्रावणी ऑलरेडी सेड 2, वेरी गुड श्रावणी। अश्वत ऑल्सो सेज 2 एंड अजिंक्य कम ऑन यू नीड टू अगेन रिकंसिडर योर आंसर योर ऑप्शन, कम ऑन फास्ट। आई डोंट नो कोमल, डोंट आस्क मी, ये लोगों का रिसर्च और इनका डेवलपमेंट है बेटा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय माय स्कॉलर स्टूडेंट, सो डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन कि सर व्हाई 2, यू कैन गिव योर नंबर आल्सो, इवन आई एम सेम पिंच कोमल सेम पिंच। हाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अभी तक अजिंक्य ने खुद के आंसर को वापस टटोला नहीं है। अजिंक्य क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, डोंट से क्यों क्यों ऐसा क्यों कोमल, क्या नहीं बोलना है बेटा, व्हाट इज हिज आंसर, हिज आंसर इज 6, अजिंक्य इज क्लेमिंग आंसर टू बी 6। ओ चलो बदला आंसर अजिंक्य, व्हाट इज योर आंसर, कम ऑन अजिंक्य बोली लगाओ बेटा, बोली लगाओ, कम ऑन कम ऑन, फेंको आई मीन फायर 2। ओके इसी के साथ अजिंक्य ने अपना जवाब बदल दिया है और काफी धुआंधार प्रदर्शन रहा है। ओके वाकड़े से लेके बोरीवली से लेके अंधेरी विले पार्ले नाशिक औरंगाबाद और कोई रह गया है, अंधेरी विले आकड़े औरंगाबाद नाशिक, ठीक है चलो ठीक है ठीक है, प्रोडक्ट बनाना शुरू करें एंड इट वाज अ ट्रैप, और जिसमें काफी ज्यादा हद तक आबादी इसमें इस ट्रैप में फंस चुकी है। ओके व्हाट इज दैट आबादी एंड कैसे फंस चुके हैं, जरा ध्यान देगी जनता, यू गेट CH3 पॉजिटिव चार्ज हियर, रिंग एक्सपांशन इज ऑलवेज द बेस्ट चॉइस, so what you will get, बच्चा लोग be ready for this question, इस प्रकार के question को लेके हमेशा तैयार रहें, क्योंकि सभी लोग मुंबई में एक सब लोग easy easy पढ़ने की कोशिश करते हैं, अरे easy पढ़ के CET थोड़ी crack करके जाना है, सब easy पढ़ते हैं मुंबई में, सबको एकदम simple चाहिए, अरे भाई काहे इतने परेशान हो जीवन में। ये हो गया 6 मेंबर्ड, ये रहा मिथाइल, प्लीज अंडरस्टैंड मैं ये CH की बात कर रहा हूँ, CH मिथाइल, उसके पड़ोस में पॉजिटिव चार्ज, उसके पड़ोस में मिथाइल। बच्चा लो क्या ये स्ट्रक्चर समझ में आया, कम ऑन क्या ये स्ट्रक्चर समझ में आया, अगर नहीं तो आई विल प्ले कलर कलर विच कलर डू यू वॉन्ट, समझ में आया यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस कम ऑन कम ऑन कम ऑन। पार्टिसिपेंट में मुझे BR वालों को देखना है, BR वाले कौन कौन है, BR वाले है वेदांत, ओके एडन सोहम अनमोल हिमांशु मनन नेहा गणेश प्लासिडो मिसिंग श्रावणी मिसिंग सिया मिसिंग। वेदांत भाई मंडे के लेक्चर में भी आ जाया करो, मंडे नहीं वेनेसडे, प्लेसिडो इज देयर, शाबाश प्लेसिडो, तेरा नंबर बी ऋषिकेश इज ऑल्सो देयर, या सिया, आई सेड सिया नॉट श्रिया, आई सेड सिया,
वेदांत वेदांत नरे नॉट वेदांत कामले ओके बच्चा लोग नाउ जादू करेंगे अपन यहाँ पे जादू करने का अपने को तो हाइड्राइड शिफ्ट होएगा इधर भी मिथाइल होने का इधर मिथाइल कार्बोकटायन होने का एंड हियर कम्स द न्यूक्लियोफाइल और देश की जनता बताएगी टोटल कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वेरी गुड यहाँ पर मुझे आंसर आया था दो कितना आंसर दो या श्रावणी नहीं नहीं श्रावणी अनदर श्रावणी नॉट अंधेरी श्रावणी ओके आंसर इज टू एंड जितने लोगों ने भी आंसर टू दिया उनका आंसर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग क्या बात है डिड यू मिस नंबर ऑफ काइरल कार्बन सीरियसली डिड यू मिस काइरल कार्बन ओ माय गॉड तुम्हारे साथ तो दुर्घटना हो गई भाई साहब ओ टोटल केटला छे प्रोडक्ट केटला प्रोडक्ट छे सच्ची ये कहानी है तुम दो और चार तो किसी का भी जवाब नहीं आया था क्या बात है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट साहिल एक श्रावणी एक एक प्रोडक्ट क्या कर रहे हो भाई काइरल है काइरल कार्बन ये काइरल काइरल कार्बन अजिंक्य मेरा थोड़ा आई थॉट सो यू आर क्लोज टू द आंसर बट तूने धोखा दे दिया ना भाई एंड मोमेंट पे छह से दो पे आ गया तू तू दो मिनट रुकता ना तो तेरा आंसर बराबर क्लिक होता तेरे को तू छह क्यों बोला वो बता मेरे को लेकिन आई वॉज क्वाइट श्योर कि तेरा इतना ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है मतलब यू आर डेफिनेटली काउंटिंग काइरल कार्बन समवेयर क्योंकि छह का नंबर आना तभी होता है जब भाई मतलब काइरलिटी वगैरह हो तो समझा क्या क्वेश्चन समझा बच्चा लोग सभी को क्वेश्चन समझा ऐसे टाइप के क्वेश्चन सी आई एम नॉट कैटेगराइजिंग दिस इनटू एडवांस मींस और नीड आई एम कैटेगराइजिंग दिस इनटू अ गुड क्वेश्चन या अश्वत दैट्स करेक्ट थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन जहां पे वो लोग एक्चुअली तुमको चेक कर रहे हैं कि भाई तुमको SN1 अगर आता है तो मैं टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछूं मतलब व्हाट विल बी द आंसर प्लीज मूव बहुत डांटती है यार ये मतलब यहां से वहां भगा देती है एकदम समझ में आया सभी को ऋतुजा अंडरस्टूड नहीं आ रहा जिनके ऐसा नहीं कर सकते श्रिया पूछो ना बेटा क्या नहीं समझा सो अगला एक्सप्लेनेशन इज डेडिकेटेड टू श्रिया नाउ श्रिया जी ध्यान दे ये ना ये जो बॉन्ड था ये वाला श्रिया श्रिया ध्यान दो वो अब यहां चला गया बेटा श्रिया यहां तक समझा रिंग एक्सपांशन डेमेंजोव रूल कोमल आई एम कमिंग टू द थर्ड स्ट्रक्चर इंटरेस्टिंग थर्ड आई एम कमिंग टू दिस पार्ट आई थिंक ओके नाउ ये रिंग एक्सपांशन करके मैंने इसी को सेम यही स्ट्रक्चर तो बनाया है मैंने ये सेम स्ट्रक्चर छे मारी बात सांभो सेम स्ट्रक्चर थे आजो पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे है उसके लेफ्ट पे मिथाइल उसके राइट वाले कार्बन पे मिथाइल हां जी ये सुनो अ थर्ड स्टेप कौन सा यहां ये वाला ना यहां से यहां मैं हर स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूं तो यहां से यहां ये सेम स्ट्रक्चर है बराबर ये यहां से यहां ना इट्स द सेम स्ट्रक्चर बराबर ओके यहां से यहां ना इट्स द सेम स्ट्रक्चर मतलब दोनों सेम ही है सिर्फ इधर अलग तरीके से था उसको यहाँ पे थोड़ा डिसेंट दिख रहा है ओके थैंक यू हिमांशु थैंक यू अब पॉजिटिव चार्ज जो है ये 2 डिग्री कार्बोकटायन है अब यहां पर हाइड्रोजन देखो अभी हाइड्रोजन क्या करेगा हाइड्रोजन क्या करेगा रीअरेंजमेंट करेगा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है तो 3 डिग्री कार्बोकटायन बनने के लिए हाइड्रोजन को खोना पड़ेगा तो यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करेक्ट तो यह हाइड्रोजन यहां बना देता हूं
पहले से एक हाइड्रोजन था, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना, कंफ्यूजन नहीं हो। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया है, देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया है, ओके। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आएगा, OH इधर अटैच हो जाएगा, और कितना कार्बन काइरल आएगा, दुई ठू आएगा, दुई ठू। हाँ अजिंक्य, गुड क्वेश्चन अजिंक्य, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। अजिंक्य का सवाल मैं सबके लिए बोलूंगा। हाँ ज़ियान, वन सेकेंड बेटा, अजिंक्य का सवाल सुनो। अजिंक्य पवार इज सेइंग कि सर आपने हाइड्रोजन शिफ्ट क्यों किया, आपने मिथाइल शिफ्ट क्यों नहीं किया? कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन कम ऑन एवरीबॉडी। कहानी है दो क्या कार्तिक, कुछ भी, रिपल्शन कहां से आएगा, रिपल्शन कहां से आ गया? मिथाइल यहां से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो रिपल्शन किस बात का? अजिंक्य तू सवाल भी पूछ रहा है और तू जवाब भी दे रहा है। ऋतुजा इज सेइंग बोथ मिथाइल रिपल्शन। ऋतुजा बेटा, ऋतुजा ऋतुजा, क्या है ये ऋतुजा? मतलब तुम ऑनलाइन बेटा सर के लिए जहर बुक कर दो बेटा। हाँ आ जाएगा, घर पे आ जाएगा आराम। अरे साइक्लोहेक्सीन चेयर फॉर्म पड़ा है कि नहीं पड़ा है? हाँ आजू बाजू में मिथाइल आजू बाजू आ जाएगा। अरे चेयर फॉर्म पड़ा है कि नहीं पड़ा है? फिर ऐसा क्यों, क्यों जुल्म क्यों कर रहे हो? प्लेन ही अलग है, यस प्लेन ही अलग है उनका। हाँ कोमल तुम्हारा बात सुनना पड़ेगा बेटा, नहीं तो तुम क्या मतलब प्लैसिडो विच मतलब समझा नहीं बेटा। सो यहां पर मिथाइल शिफ्ट करके क्या पाओगे? अजिंक्य ने सवाल के बाद जवाब भी दिया, देखो उसका जवाब क्या बोल रहा है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है देन कार्बन हाइड्रोजन। दिस आंसर इज राइट अजिंक्य, दिस आंसर इज 100% राइट, ओके। लेकिन दूसरा पॉइंट, अगर तू मिथाइल शिफ्ट करेगा तो यहां पर 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। स्टेबिलिटी क्यों किया, मतलब शिफ्टिंग हम क्यों करते हैं? स्टेबिलिटी के लिए करते हैं ना मेरा भाई। पहले से तुम 2 डिग्री कार्बोकैटायन था, मिथाइल शिफ्ट करके भी 2 डिग्री बना, ये सही हो गया ना? फिर स्टेबिलिटी की मतलब शिफ्टिंग क्यों किया फिर? यस वी वांट मोर स्टेबिलिटी। मतलब ये तो अजिंक्य यही बात होगी कि पहले तेरा सैलरी 5 लाख रुपए पर मंथ था, अभी तू नया एकदम चैलेंजिंग जॉब लिया, उधर भी सैलरी 5 लाख रुपए पर मंथ। What is this? समझा? समझा या नहीं समझा? शिफ्टिंग क्यों करते हैं हम? स्टेबिलिटी के लिए। कोमल टीचर मे आई कम योर इन फ्रंट ऑफ बोर्ड? हाँ कोमल टीचर शायरी मार रहे अभी। थैंक यू टीचर। ओके समझ में आ गया बच्चों? हाँ ज़ियान लास्ट स्टेप बताता हूँ। ज़ियान तुम्हारा डाउट था बेटा, ज़ियान तुम्हारा डाउट था कि हम लोगों ने हाइड्राइड शिफ्ट इसलिए किया, अजिंक्य के सवाल ने और एक पॉइंट क्लियर कर दिया कि शिफ्टिंग तब करो जब तुम्हें ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही हो, जॉब स्विच तब करो जब तुम्हें ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है। तो जॉब स्विच मैंने कैसे किया, मैंने जॉब स्विच कैसे किया? मैंने जॉब, मुझे 5 लाख मिल रहा था, अब मुझे 15 लाख मिलने वाला है, ठीक है? यस तुम तो उड़ते हुए जाएगा, एकदम 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 उड़ते हुए जाएगा इधर। यू गॉट 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ओके ठीक है या सो इन दैट केस OH माइनस आएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बनेगा, हो गया। आगे बढ़ू बच्चों, आगे बढ़ू। एक सेकेंड ना, मैं मेरा नोट ढूंढ रहा हूँ पीडीएफ।
मिल गया मिल गया। चलो ओएच न्यूक्लियोफाइल बोला था ना, ओएच कहां से आया? अरे भाई ओएच या न्यूक्लियोफाइल क्या अचार डालने के लिए रखा इधर? ओएच सरिया, मतलब ओ सरिया ऐसा बोला मुझे, वो भी ओएच दिखा। चलो कोई बात नहीं, बैक टू द डिस्कशन। अब हम चलते हैं। अरे यार ये इनकम्प्लीट वाला है, क्या होगा देश का? एक सेकेंड होल्ड करो बच्चों। ये व्हाट्सएप पे कोई नया फीचर आया है क्या? वेर आई एम, मैं ना कोई नया ऐसा फीचर आया है क्या? मतलब जो भी फाइल भेजा है ना, वो फाइल मैं ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इट्स शोइंग दिस फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो लाइक आरएम का तुम लोगों को भेजा हुआ नोट मैं वापस ओपन कर रहा हूँ। अच्छा 7 days में डिलीट होता है? अरे आई हैवन डिलीटेड इट, मैं फाइल क्यों डिलीट करूंगा? बट ये हो सकता है 7 days में डिलीट होता होगा, आई डोंट नो। या सेंड करो जरा, कोई कोई एक ही भेजो, पाठक भेज, सोहम पाठक भेज। अच्छा भेज दिया, चलो ठीक है, होल्ड ऑन होल्ड ऑन।
बस बस मिल गया। आइसोमेरिज्म किसने भेज दिया? कोई तो आइसोमेरिज्म भेज दिया। कौन है भाई? श्रिया तुमने भेजा बेटा? किसने भेजा? किसी ने तो आइसोमेरिज्म भेजा। अच्छा यू सेंट आरएम, आरएम मिल गया मुझे या। चलो जब तक भाई अपना वाला नोट्स नहीं रहता ना मुझे अच्छी अच्छी वाली फीलिंग नहीं आती। सॉल्वेंट सभी ने पढ़ लिया है ना? सॉल्वेंट बच्चा लोग। वन मोर सेक्शन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन। अगर याद होगा SN2 में इन्वर्जन पढ़ा था हम लोगों ने, लेकिन मैंने एक सेक्शन कराया था जहां पे रिएक्टेंट R था लेकिन प्रोडक्ट शायद R हो या S हो डिपेंडिंग ऑन नया न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट प्रायोरिटी है या नहीं। अंडरस्टूड? नया न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट प्रायोरिटी, डोंट मिस दैट। क्योंकि क्वेश्चन पक्का मिलेगा तुमको। ये आइसोमेरिज्म जीओसी जितना बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा ही है और इम्पोर्टेंट तो बहुत है। तुमको इसका इसका इफेक्ट तुमको दिखेगा। और मैंने एडवांस्ड वालों के हिसाब से मटेरियल बनाया है। अक्षर लैगिंग, सॉल्वेंट इफेक्ट दिया हुआ है, SN1 हो गया है। हाँ रीअरेंजमेंट, हाँ फिर उसके बाद इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। गिव द हेडिंग, ये एकदम शॉर्ट एंड स्वीट है लेकिन भाई साहब एकदम छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। नीट वाले SNI रिएक्शन जो मैं अभी सिखा रहा हूं, ये तुम लोगों को शायद डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है बट एग्जाम्पल इसके ऊपर बेस्ड पूछ सकते हैं। तो मैंने कहा है कि इस चैप्टर में बाइफरकेशन नीट CET मेंस के हिसाब से ना करो, हो सके उतना डिटेल में पढ़ो, ठीक है। लेकिन क्या होता है फिर बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं एंड दे आर लाइक सर आई मीन दिस वाज नॉट माय कप ऑफ टी, इसलिए मैं मुझे ऑर्गेनिक में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, इसलिए मैं पहले से बोल रखा हूँ ऑर्गेनिक इज द सब्जेक्ट। जितना बेसिक लेवल पे करते जाओगे उतना तुम्हारा मार्क्स अच्छा आएगा। नाउ पेज नंबर SN1 रिएक्शन के बाद है जयान, ये तो चेक करो बेटा। इसका हेडिंग है इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑल स्क्रोलिंग पेज नंबर 55-56 देखो ध्यान। या चलो बैक टू द डिस्कशन। मुझे एक बात बताओ, अगर सपोज नाउ दिस यू रिलेट द एग्जांपल कि लेट्स से यू आर प्लानिंग टू बाय अ गुड वन, लेट्स से कौन सी गाड़ी ये कर सकते हैं, मतलब मैं तो जीप वाली सीरीज बोलने जा रहा था बट जाने दो, नमक स्वाद अनुसार और बातें औकात अनुसार ही करनी चाहिए। ओके निहारिका जल्दी मिलेगा बेटा मर्सिडीज, मतलब मेरी तरफ से दुआ है तुम लोगों को। फरारी त्रिभुवन थोड़ा ज्यादा हो गया बेटा फिलहाल के लिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ज्यादा हो गया। या सो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक गाड़ी प्लान कर रहे हैं, इट कैन बी एनीथिंग, जीप कंपस विल बी गुड। 30 लाख की गाड़ी है, 30 लाख। ओके योर पेमेंट से कि तुम आराम से 30 लाख का लोन वगैरह तो ले ही सकते हो। योर मंथली इनकम इज अराउंड 3 लाख रुपी। ओके डोंट टेक एमजी हेक्टर, दैट यूजलेस, ओके वेस्ट ऑफ मनी। ओके नहीं बट कमिंग बैक टू दिस थिंग, ओके या सो अभी हम लोग क्या करेंगे कि तुमने अगर 30 लाख रुपए का, हाँ श्रावणी जरूर मिलेगा डोंट वरी, सो 30 लाख की गाड़ी अगर तुम प्लान कर रहे हो, बैंक से लोन उठाने वाले हो, इट्स लाइक योर सैलरी इज टू गुड, ऑसम, 3-4 लाख रुपए सैलरी है यार, आराम से ले सकता है 30 लाख की गाड़ी। लेकिन डैड ने क्या बोला? सो योर डैड सेड कि यार देख तू 30 लाख का लोन लेगा, उसके ऊपर तू इंटरेस्ट भरेगा, इंटरेस्ट भरते भरते तेरी गाड़ी की कीमत 35 लाख हो जाएगी। लेट्स टेक अ रफ एग्जाम्पल, आई एम जस्ट शोइंग यू द नंबर। तो फैमिली क्या बोलती है, मतलब फैमिली घर वाले लोग, घर के लोग क्या बोल रहे हैं? डैड बोल रहे हैं देख तेरी सैलरी एकदम सही है, 4 लाख रुपए, तू एक काम कर, तू ऐसा कर कि मुझे 3 लाख रुपए हर महीने दे दे, ठीक है। उससे फायदा क्या होगा,
कि तेरी गाड़ी अगर तू बैंक से लेगा तो तुझे 5 लाख एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे, इट्स अ गुड नंबर, सो तू एक काम कर वो पैसे मुझसे ही ले लेना और बाद में तू मुझे थोड़ा थोड़ा करके रिटर्न कर दे, इंटरेस्ट का कोई बात ही नहीं आता, यू विल सेव 5 लाख. दैट कैलकुलेशन इज बेटर, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज विद इन द फैमिली वी आर ट्राइंग टू एडजस्ट द रिक्वायरमेंट, वी आर ट्राइंग टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट. हम किसी और बैंक जैसे लोगों पे ट्रस्ट करने के बजाय हम विद इन द फैमिली, ठीक है. अरे असीम, अभी हम लोग इसमें टैक्स और ये सब की बात नहीं, इंटरनल लोन दे सकते हैं, ठीक है, बट अभी वो प्रोसीजर बाद में एक्सप्लेन करूंगा, टैक्स नहीं लगेगा कहीं, या वो सब हो जाएगा, डोंट वरी असीम. तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि यू आर सेविंग सम गुड मनी, राइट, यू आर सेविंग गुड मनी, अच्छा खासा पैसा तुम सेव कर रहा है. ओके, सो क्या करें अभी यहाँ पर, हाउ वी शुड प्रोसीड? सो ऑफकोर्स विद इन द फैमिली अगर एडजस्टमेंट हो रहा है तो इट्स अ गुड नंबर, ओके, इट्स अ गुड नंबर. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, या अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो हम लोग जो रिएक्शन कर रहे हैं, OH इज अ गुड लिविंग ग्रुप और अ पुअर लिविंग ग्रुप? कम ऑन, OH इज अ गुड लिविंग ग्रुप और अ पुअर लिविंग ग्रुप? पुअर लिविंग ग्रुप. उसको गुड लिविंग ग्रुप बनाने के लिए हम लोगों ने अलग अलग फॉर्मूले किए थे, उसमें से कुछ तो एक सल्फोनेट एस्टर टाइप ग्रुप था, याद है, जहां पे OH का पीके 16 से डायरेक्ट -1.7 पे पहुंच जाता है, हाँ या ना? यस, याद आया? ओके, सो या फैमिली वाली ऋतुजा, दैट्स करेक्ट, ऑक्सीजन सल्फर, ये बताया था मैंने तुम लोगों को, ये पॉइंट बताया था ऑक्सीजन सल्फर वाला, या सो SNI हो गया था अपना, SNI कुछ पार्ट हो गया था अपना, या तो SNI में आई थिंक मैंने पिरिडीन वाला रोल नहीं बताया था ना, पिरिडीन वाला रोल नहीं बताया था मैंने, पिरिडीन नहीं बताया था, राइट, पिरिडीन वाला, हाँ, बट मैं क्विक रिवाइज कर देता हूं. वी कॉल दिस एज SNI रिएक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनल इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. क्या किया था मैंने, वो फैमिली वाली बात, तो ROH जब CLS डबल बॉन्ड OCl से अटैच हुआ था, तो व्हाट वी गॉट इज ROS डबल बॉन्ड OCl. चलो यहां की कहानी पता है तुमको, याद करो यहां की कहानी पता है क्या हुआ, सल्फर ऑक्सीजन को बोलता है, यार देख हम लोग फैमिली वाले हैं, सेम ग्रुप वाले हैं, तू काय को आर के साथ कनेक्टेड है, तो ऑक्सीजन सल्फर को बोलता है, तू काय को क्लोरीन के साथ अटैच है, तो सल्फर बोलता है देख भाई मैं क्लोरीन को छोड़ दूंगा, तू आर को छोड़ेगा? बोला यस. बोला ठीक है चलो निकल लो. जब ऑक्सीजन इसको तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है आर से, तो आर पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्लोरीन ज्यादा पावरफुल है तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो दे विल कंपनसेट ईच अदर, हाँ या ना. साउंड लाइक सम मूवी, या कभी अलविदा ना कहना पिक्चर देख लो, यू विल अंडरस्टैंड दिस इज सेम थिंग गोइंग ऑन. ओके, या देख, मतलब प्लीज करण जौहर की कोई पिक्चर मत देखो भाई, मतलब काउ डंग देख लो बट करण जौहर का मूवी मत देखो, ठीक है. चलो नेक्स्ट. उससे अच्छा साउथ, एकदम सही. मैं और गणेश तो फैन ही है, क्या बोलता है गणेश? क्लियर, या सैड मूवी, एग्जैक्टली, सो आम मी टू यार, एकदम परफेक्ट. अरे फिजिक्स थोड़ी देख के वहां पे, अबे साइंस अप्लाई नहीं करना होता है साउथ इंडियन मूवी में, साइंस सिर्फ किताबों में अप्लाई करना होता है. और सबसे अच्छा सुमित, दिस वॉज ऑसम, क्या बात है, एकदम चौका मारा है सुमित. अजिंक्य इज ऑल्सो ऑन सेम थिंग. चलो ओके, सो
साहिल उससे भी खतरनाक नाम अजिंक्य ने लिया है. ओके चलो कोई बात नहीं, सुमेध और अजिंक्य ने. सो क्लोरीन यहाँ पे जाएगा. ओके सो यहाँ पर इट विल बिकम RCl. सो इसको हम लोग बोलेंगे रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन. ओके रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन हो सकता है. ओके बच्चा लोग अभी ये ना पार्शियल चार्ज वाला इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले को नलीफाई कर रहा है, तो इसका ट्रांजिशन स्टेज एक्चुअली मैंने बनाना चाहिए था. तो यहां पर ये रहा ऑक्सीजन, सल्फर डबल बॉन्ड ओ, क्लोरीन. अब यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसको मैं रेड से बना रहा हूं. तो यहाँ पे R और C पे कोई चार्ज नहीं दिखाना है हमने, हमने R और C पे कोई भी चार्ज नहीं दिखाना है. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस और नो? आयुष यार ऐसे ऐसे मत बोले यार, पढ़ाई तो चल रही है यार, तू तो धोखा देने वाला है यार, तू उग्रवादी निकला यार तू. आयुष यार दिल तोड़ दिया यार तूने, बस यही सुनना बाकी रह गया था बस. मतलब उससे ये उम्मीद नहीं थी यार आयुष. शी शी शी. चलो SNI रिएक्शन के बाद यही रिएक्शन को अगर हम पिरिडीन के प्रेजेंस में करेंगे. बच्चा लोग पिरिडीन को बोलो बहुत स्मार्टली लिखते हैं. ऋषिकेश ट्रांजिशन स्टेज मतलब हाई एनर्जी स्टेज, याद है ना ग्राफ का जो सबसे पीक पॉइंट था ऋषिकेश, बोरिवली ऋषिकेश, या वो ट्रांजिशन स्टेज. और उसके बाद ये प्रोडक्ट बनता है. ओके उसके बाद ये प्रोडक्ट बनता है, करेक्ट. श्रेया डॉटेड लाइन मतलब ये नया बॉन्ड जो बन रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है. समझा बेटा? समझा? ओके चलो आगे बढ़े. बच्चा लोग पिरिडीन ऐसा दिखता है, तुम्हें ये भी पता है पिरिडीन के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की है. ये रहा लोन पेयर, पिरिडीन एक अच्छा बेस है इफ यू रिमेम्बर. तो इसको ना बोलो कैसे लिखते हैं पता है बच्चों? इसको लिखते हैं C5H5N. एरोमेटिक भी है, दैट्स करेक्ट अश्वत, एरोमेटिक भी है. इसको C5H5N लिखते हैं. तो बी केयरफुल, तुमको ये नहीं पूछेंगे, ये 99% लोगों को पता होता है ये रिएक्शन ऐसे रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन होगा. दे नो एवरीथिंग प्रॉपरली, ठीक है. अब जब मैं इस रिएक्शन को SOCl2 के साथ रिएक्ट करता हूं तो आई गेट अ प्रोडक्ट RO S डबल बॉन्ड ओ सी एल. ओके बट मेन मुद्दा क्या है? HCl निकला. अब HCl के निकलने से क्या होगा बच्चों? पिरिडीन HCl के साथ रिएक्ट करके मुझे ऐसा लग रहा है ये पार्ट भी मैंने पढ़ाया था, मुझे याद नहीं आ रहा है बट ठीक है. या प्रणव एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, एकदम सही जवाब देते हो यार. मतलब एकदम ऑर्गेनिक धीरे 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 दिमाग में सेटल हो रहा है. दैट्स अ गुड साइन, दैट्स अ गुड साइन. पिरिडीन इज अ बेटर बेस बिकॉज इसका लोन पेयर जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है. दैट्स गुड. और इसलिए वो अच्छा बेस है, तो HCl को तुरंत न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है. क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? व्हाट वी आर डूइंग? ध्यान तो नहीं था क्लास में बेटा. अब ये सेम रिएक्शन मैं पिरिडीन के प्रेजेंस में कर रहा हूं ध्यान. ओके पिरिडीन के प्रेजेंस में कर रहा हूं बेटा, ठीक है. या हाँ पिरिडीन पायरोल का सिर्फ बड़ा भाई है, मतलब यहाँ पे
पायरोल में लोन पेयर देना आसान नहीं है बिकॉज वो एरोमेटिसिटी के लिए अपना लोन पेयर यूज करता है. यहाँ पे लोन पेयर बिंदास दे सकता है बिकॉज ही इज ऑलरेडी एरोमेटिक. ओके, बट लोन पेयर परपेंडिकुलर क्यों है, पी एक्स पी वाई पी जेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो कंसेप्ट दिमाग में याद रखने का. बच्चों मैंने बहुत बारी मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है लोगों से, मैं रैंडमली पूछता हूँ कभी जाके कि भाई ये लोन पेयर क्यों देता है, सो दे आर लाइक कि नहीं ये एरोमेटिक है तो लोन पेयर इसको जरूरी नहीं है. अरे ऐसा नहीं, योर आंसर शुड बी कि ये जब नाइट्रोजन के पास पाई बॉन्ड और लोन पेयर दोनों है तो लोन पेयर जो है वो इसके परपेंडिकुलर है. इसके परपेंडिकुलर पाई बॉन्ड के परपेंडिकुलर है, क्योंकि पाई बॉन्ड अगर पी एक्स ऑर्बिटल है लोन पेयर विल बी पी वाई, पी एक्स पी वाई परपेंडिकुलर, तो फिर लोन पेयर कभी भी पार्टिसिपेट रेजोनेंस में नहीं कर सकता. इज दैट क्लियर? या दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट. ओके, तो अब ये बताओ जब ऑक्सीजन जाने की धमकी दे रहा है तो तुम्हारे पास दो चॉइस है, एक हार्ट अटैक वाला और एक सर्दी जुकाम वाला. तो मुझे बताओ सर्दी जुकाम वाले को ज्यादा स्टेबिलिटी की जरूरत है कि सीएल माइनस को, हार्ट अटैक वाले को? बराबर. तो ये तुरंत बैक साइड से अटैक करेगा. यहाँ रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन था बच्चों. मैं फिर से दोहराऊंगा, लास्ट टाइम मैंने कहा था कि बहुत एग्जांपल दिया मैंने इससे. तो यहाँ पर यू विल गेट R प्लस SO2 प्लस ये जो क्लोरीन निकलेगा वो वापस पिरिडिनियम की चौकीदारी करेगा. अंडरस्टूड? सो वापस ये HCl बन जाएगा, बट यहाँ पर होगा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन. क्या होगा इधर? इन्वर्जन इन configuration. Is that okay? बच्चा लोग concept समझ में आया क्या? मैं एक question की guarantee नहीं दे सकता, but concept समझ में आ गया तो तुम बड़े बड़े question को band बजा दोगे. Pyridine कहाँ से आ गया? Pyridine का reaction में कोई लेना देना नहीं है. Pyridine का substitution में कोई उसका participation नहीं है. वो सिर्फ HCl के साथ रिएक्ट करने की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ. करेक्ट? उसने Cl- प्रोड्यूस कर दिया और Cl- बैक साइड से अटैक किया. दोनों रिएक्शन तुम्हारे सामने है, रिटेंशन और इन्वर्जन. एरो पे सिर्फ बोलो यहाँ पे एरो बनाएंगे, रिएक्शन देंगे, एरो बनाएंगे और प्रोडक्ट तुमको पूछेंगे. नाउ लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल, यू ट्राई डूइंग इट. ओके, यू आर सपोज टू जस्ट गिव मी द प्रोडक्ट, दैट्स ऑल. तुम्हारा काम है फिशर फॉर्मूला ही यहाँ पे दोनों केस में बना के दो. इसका पहले आर और एस निकाल लो और यहाँ के प्रोडक्ट का आर और एस तुमको बताना. Why is there a half arrow? किधर है half arrow? Half arrow? भाई साहब बनते बनते बन गया भाई. एकदम बारीकी से देखती है श्रिया. हाँ मतलब half arrow हो गया तो reaction half हो जाएगा. अरे reaction में इतना भी शक मत करो भाई, half arrow मतलब कुछ तो अलग हो रहा होगा. श्रिया व्हाट इज दिस? श्रिया फर्स्ट वाला प्रोडक्ट मिलना चाहिए मेरे हिसाब से CH3 C2H5 हाइड्रोजन क्लोरीन.
हाँ जी बोलो बोलो जल्दी बोलो, सही लिखा है नहीं लिखा है बच्चों, जल्दी बोलो। थैंक यू अजिंक्य, आप नहीं होते तो हमारा क्या होता अजिंक्य। बाकी बोरिवली, वाकड़े, अंधेरी, पारला, औरंगाबाद, नाशिक, समझ में आया? ये क्या है एस, ये वाला क्या हुआ? ये रे रे रे, कोमल कोमल कोमल, मतलब बदला लो बेटा तुम बैठे बैठे। SOCl2, ऋतुजा, ये तुमको दिखेगा, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है ना, सल्फोनेट एस्टर टाइप तो बन गया है, देखो ना, एस डबल बॉन्ड OR, ऋतुजा ये सल्फोनेट एस्टर ही तो बन गया ना बेटा, ये समझ में है बेटा, सल्फोनेट एस्टर। या एंड इट्स रियली गुड दैट भाई श्रेया, पिरिडीन के प्रेजेंस में बैक साइड अटैक हुआ था ना बेटा, पिरिडीन के प्रेजेंस में बैक साइड अटैक हुआ था, राइट? यस और नो? श्रेया, श्रेया रिप्लाई, श्रिया कैन यू हियर मी, मैं आगे नहीं आ सकता वरना कोमल डांटेगी। ऑफकोर्स ऋतुजा, यू कैन आस्क डाउट, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ऐसे पूछ के कोई डाउट पूछता है तो मुझे ही डाउट आता है उस पे। अच्छा श्रिया, ये क्लो, यहाँ पे बैक साइड अटैक होता है बेटा, ओके? या यहाँ पे पिरिडीन के प्रेजेंस में बैक साइड अटैक होता है। इफ वी जनरेट एफ माइनस हलाइड, इट कैन पुल एच प्लस, रिजल्टिंग आर ओ माइनस विच इज अनस्टेबल, हेंस एफ माइनस हलाइड वो क्यों एच को पुल करेगा श्रेया? एफ माइनस हलाइड आके, एफ माइनस हलाइड आके एच को क्यों पुल करेगा श्रेया? मुझे ये पॉइंट समझा नहीं तुम्हारा, मतलब यू आर ट्राइंग टू से एफ माइनस हलाइड आके एच को लेके जाएगा, इसको ओ माइनस बना देगा? नहीं, नॉट श्रेया, सॉरी ऋतुजा, ऋतुजा सॉरी सॉरी, तुम लोगों का चैट आगे पीछे ही आया ना। या ऋतुजा मुझे एक बात बताओ, तुम मुसीबत से निकल के और ज्यादा मुसीबत में जाना चाहते हो कि मुसीबत से निकल के सेफ होना चाहते हो? कमन कमन बोलो बोलो, टेल टेल, सेफ होना चाहते हो ना बेटा, एकदम सिंसियर गर्ल है, वेरी गुड। तो तुम ऑक्सीजन हाइड्रोजन की हालत देखो बेचारे, तुम्हारे सोच ने हाइड्रोजन की बैंड बचा दी, ऑक्सीजन से अटैच है, इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसको डर तो लग रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तुम बोल रहे हो हाइड्रोजन को जाओ बेटा जाओ, अभी मतलब कुत्ता तुमको काटने वाला था, तुम बच गए ना, अब जाओ सामने शेर है, शेर जाओ, तो तुम एच को फ्लोरीन के पास भेज रहे हो, जैसे तुमने वो एच को बोलोगे कि जैसे तुमने कुत्ते को करके भगा दिया, वैसे शेर को भी भगा दो, ओ स्वीट डॉग। समझ में आया? समझ में आया ऋतुजा, मुसीबत क्या है? समझा ऋतुजा? अरे एच वहां से निकल रहा है कुछ स्टेबिलिटी के लिए, क्लोरीन के साथ क्यों गया एच? क्योंकि क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अंडरस्टूड? या वापस मैं बताता हूं, पिरिडिनियम क्लोराइड बनने के कारण सीएल माइनस के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है? वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबल होना है,
तो जैसे ही पार्शियल चार्ज डेवलप होता हुआ दिखेगा तो सीएल माइनस तेजी से अटैक करेगा या पार्शियल चार्ज वाला तेजी से अटैक करेगा? एक आधी जगह वैकेंसी दिखी तो अनएम्प्लॉयड बंदा जल्दी भाग भाग के नौकरी के लिए अप्लाई करेगा या जो अभी क्या बोलते हैं उसको नोटिस फेज में होगा, नोटिस पीरियड में होगा वो? ऑफ कोर्स पहला वाला, जिस जो द वन हु इज जॉबलेस, आगे बढ़े बच्चों। अरे H माइनस F को स्टेबल कर सकता, H प्लस F को स्टेबल कर सकता है ऋतुजा, लेकिन वो तब करेगा ना। F माइनस H को निकालने, अभी हम लोगों ने H को निकालने के अलग अलग तरीके, OH को सॉरी निकालने के लिए अलग अलग तरीके सिलेक्ट किए, उसमें से तुम सोचो OH को निकालने के लिए अलग अलग तरीके में मैंने F माइनस किधर यूज किया था? There was a reason ना मैंने F माइनस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। नहीं, Cl Cl Cl2 नहीं बन जाएंगे भाई, इतना इजी नहीं होता कि Cl Cl SO2 सल्फर ऑक्सीजन जैसे SO2 बन गए वैसे Cl Cl आके Cl2 बन जाएंगे। ऐसा ये कहावत सही है, सोच बदलो देश बदलेगा, बराबर है। तुम यार रिएक्शन में सोच मत बदलो, रिएक्शन सीरियसली पूरी तरह बदल जाएगा। आगे बढ़े, अब आ गया नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ये नहीं कराया था मैंने, राइट? दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन, SN1 SN2 SNI एंड फोर्थ इज NGP। कराया था मैंने, ये कराया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, ग्रोइंग ओल्ड सो मेमोरी प्रॉब्लम। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, तो एकदम सिंपल एक कहावत सुनी होगी, आखिर एक पड़ोसी पड़ोसी के काम आते हैं, है जी, हाँ है ना, पड़ोसी पड़ोसी के काम आते हैं, है जी, बराबर। सो यहाँ पे नेबर का ही काम लेना पड़ेगा, सो दिस इज कॉल्ड एज नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। दिस इज फोर्थ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लास्ट कैटेगरी, इसको मैंने बहुत प्यार से लिखा है नोट्स में, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन। ओके, अब ये नेबरिंग ग्रुप बेसिकली है क्या? तो हम लोग किसी नेबर की मदद लेंगे, नेबर की मदद हम टेम्पररी लेते हैं कि परमानेंट होते हैं? मतलब मान लो मैं टैक्सी से घर पे पहुंचा, सो मेरे पास चेंज नहीं थे, मेरे पास चेंज नहीं थे तो मेरे सामने वाले अंकल मिल गए, हाँ बराबर, यही बाकी रह गया था। सो मैंने उनको बोला अंकल 30 रुपीज हुआ है, प्लीज दे दो, मैं आपको घर जाके दे दूंगा। तो इन दैट केस हम लोग क्या, उन्होंने दे दिया, हम चेंज का दे दिया, घर जाके उनको हेल्प कर, उनको वापस कर दिया, बराबर, उन्होंने हेल्प किया, हमने उनको वापस कर दिया। बट अभी अपन रोज बोलेंगे और अंकल किधर हो, मैं टैक्सी से आ गया, प्लीज आओ पैसे दो, नहीं नहीं नहीं, ये रोज का नहीं होगा, ठीक है? यानी ये इफेक्ट जो है वो कुछ इस तरह चलेगा कि ये हेल्प करके वापस नॉर्मल हो जाएगा, मेरी बात सुनो, हेल्प करके वापस नॉर्मल हो जाएगा। हाँ बराबर, आर्यन जेठालाल देखना बंद करो बेटा, ये हो जाएगा RS ओके okay? चलो भर भर के एग्जाम्पल्स दिए, नहीं मदद करेंगे विथ दैट श्योरिटी कि उनको हेल्प करने के बाद उनको वापस नॉर्मल कर देना, ये तुम्हारा काम होगा। तुमने हेल्प लिया, हेल्प लेने के बाद उनको वापस नॉर्मल करना, ये तुम्हारा काम होगा। एम आई क्लियर विद दिस? आगे बढ़ू? यस और नो? या लेट्स प्रोसीड नाउ।
यू हैव सल्फर हियर, बट चलो चार्ज फॉर्म होके रिएक्शन मल्टी स्टेज जाएगा वो बेटर है या चार्ज ही ना बने और रिएक्शन भी हो जाए? कम ऑन टिंक टिंक, कम ऑन टिंक, यस नो चार्ज, क्या बात है क्या बात है। मतलब जब चार्ज नहीं आएगा तो एक ही ट्रांजिशन स्टेज बनेगा, अब जब एक ही ट्रांजिशन स्टेज बनेगा तो रिएक्शन क्या होगा, जल्दी प्रोडक्ट की तरफ पहुंचेगा ना, आया ना, यस और नो, यस और नो, क्लियर क्लियर ओके। सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव लेस नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेज। काइनेटिक्स ये भी बोलता है ट्रांजिशन स्टेज एक हो अच्छी बात है, और उस ट्रांजिशन स्टेज में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी कम हो तो क्या बात है, बराबर ना। आर्हेनियस थ्योरी कहता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो तो एकदम धमाका हो जाएगा, रिएक्शन बस भिगोया धोया और होगी, बराबर क्लियर। हाँ ऑफ कोर्स कैटलाइज्ड रिएक्शन हो या कुछ फैक्टर्स हो जिनके कारण तो कोई दिक्कत नहीं है, बट या यू अंडरस्टूड द पॉइंट, यू अंडरस्टूड द पॉइंट। कमिंग टू दिस पार्ट ओके, ये देखो अब क्लोरीन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी कार्बन पे मुसीबत आने वाली है। क्लोरीन क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब सेम पॉइंट, तुम कार खरीद रहे हो तुम्हारे पैसे जा रहे, तो मुसीबत, तो फैमिली वाले मदद करेंगे, कैसे करेंगे फैमिली वाले मदद, पैसा। हाँ जयान सही बोला बेटा, ये समझ में आया। अब इसका जाना हुआ और इसका हेल्प करना हुआ, इसका जाना हुआ और इसका हेल्प करना हुआ, इट्स ऑलवेज अ गुड साइन, इट्स ऑलवेज अ गुड साइन। बच्चों ये सेम पॉइंट जो लोग आज समझ जाते हैं ना, ये मेरा, मैं जो पॉइंट बोल रहा हूं अगर तुम आज समझ गए ना तो अल्कीन चैप्टर में जल्दी मिलेगा तुमको वो चैप्टर। अल्कीन चैप्टर में हम लोग ऐसा ही कुछ होते हुए देखते हैं, ऐसा ही कुछ होते हुए देखते हैं, ठीक है। लेकिन उस समय जब मैं ये वर्ड यूज करता हूं तो लोगों को अगर ये भूल गए तो उनको रिकलेक्ट करने को प्रॉब्लम होता है, ठीक है। या प्रणव रिंग फॉर्म होगा, वेरी गुड, मतलब क्या है इधर, स्लो आर सल्फर CH2, ओके मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सल्फर अपना लोन पैर दे रहा है, दे रहा है, ओके ओके बच्चा लोग, एंड ये क्लोरीन जा रहा है। भाई लाइफ का रूल एकदम सिंपल है, जब तुम्हें लग रहा है ना ब्रेकअप हो रहा है तो अपना जुगाड़ खुद ही कर लो, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज बनके घूमने से अच्छा है, ठीक है, तुमको लग रहा है कि भाई अब ब्रेकअप होने वाला है, बराबर, कि दैट इज द फैक्ट, डोंट लाफ भाई, क्या तुम लोग, दिस इज ओल्ड फिलोसॉफी, चलो कोई बात नहीं। तो जब तुम्हें लग रहा है कि भाई ब्रेकअप होने वाला है, ब्रेकअप होने वाला है, बस बस सैचुरेशन हो गया, बस अब बस खत्म, अब हम लोग, ज़ियान कोई बात नहीं बेटा, तू भावुक हो गया, कोई बात नहीं यार, तू ब्रेकअप मत कर यार, तू एकदम, हाँ। सो इन दैट केस ये जो प्रोडक्ट बनेगा ना, मान लो क्लोरीन गया तो ये जो ट्रांजिशन स्टेज, ये ट्रांजिशन ऋषिकेश, ये ट्रांजिशन स्टेज समझा बेटा ऋषिकेश, ये ट्रांजिशन स्टेज, या सो इन दैट केस उसके बाद क्या मिलेगा, ये हो जाएगा R सल्फर CH2, लेकिन लेकिन यहां पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, सल्फर ने लोन पैर देने के कारण सल्फर पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। प्रणव यस यस आई एम कमिंग टू योर पॉइंट प्रणव, बेचारा बहुत देरी से बोले जा रहे हैं, एंगल स्ट्रेन होगा, एंगल स्ट्रेन होगा, एंगल स्ट्रेन, यस प्रणव एंगल स्ट्रेन होगा, इसी के कारण ये क्या टेम्पररी हेल्प है, टेम्पररी हेल्प,
ठीक है, टेम्पररी हेल्प है। टेम्पररी हेल्प क्यों? क्योंकि एंगल स्ट्रेन आ गया। दूसरा, सल्फर को भाई पॉजिटिव चार्ज नहीं चाहिए, उसने मदद किया है। ऐसे मत करो यार, उसको वापस नॉर्मल करो, उसको वापस उसका इलेक्ट्रॉन दे दो। समझ में मैंने क्या बोला? ओके, अब आर नहीं निकलेगा, थांबा थांबा, आर नहीं निकलेगा, वेट। अब आएगा दूसरा न्यूक्लियोफाइल। बच्चा लोग, फॉर योर इंफॉर्मेशन, जस्ट कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैं तुमको इसे दोनों तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं, तो तुम परेशान मत होना। मतलब तुम ये नहीं सोचना कि अरे दूसरा कहां से आया। मैं इसको जस्ट कलर से रिप्रेजेंट करके आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि मान लो नया न्यूक्लियोफाइल जो आया, लेट्स से मैं इसको तो बच्चा लोग कोई भी कार्बन पे अटैक करो, अगर मान लो ये ग्रीन कार्बन पे अटैक कर रहा है तो ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन पहले सल्फर को देना पड़ेगा, तब न्यूक्लियोफाइल माइनस आके इधर अटैक करेगा। मेरा बात समझ में आया भाई साहब? ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, वैलेंसी कंप्लीट है। ये तो एंगल स्ट्रेन की वजह से ये लोग परेशान है, तो ये क्या करेगा, इसको CH2 देगा, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। बराबर? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? ओके, आगे बढ़ू। सो व्हाट प्रोडक्ट यू विल गेट? आर सल्फर। ओके बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ग्रीन वाले पे अटैक किया तो ये ग्रीन वाला ऐसा हो जाएगा, CH2, ये ग्रीन वाला बॉन्ड टूटेगा ना, तो ये हो जाएगा ग्रीन वाले को देखो कहां गया, ग्रीन वाला बॉन्ड टूटा तो ऐसा कनेक्टेड ना, सल्फर CH2 CH2। ओके, और यहां पर आके अटैच हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। बराबर? कलर से पहचान लो बच्चों, कलर से पहचान लो, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो पूछ लो, नहीं तो कलर से पहचान। ओके, कलर से पहचान। ओके, और दूसरा भी बनाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं ये दूसरा प्रोडक्ट इज सेम एज दिस, सिर्फ मैं तुमको कलर का ये बता रहा हूं। सल्फर अगर मान लो इस वाले कार्बन पे अटैक किया तो ये बॉन्ड टूटेगा। अच्छा लोग, आई एम जस्ट शोइंग यू कि तुम्हें समझाने के लिए कि यहां पे कोई भी बॉन्ड बनने दो, अरे इट्स वन एंड द सेम। मैं सिर्फ तुमको ये बता रहा हूं कि इधर अटैक करो, इधर अटैक करो, कहीं पे भी अटैक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चा लोग, इस रिएक्शन का एक खास बात क्या था, व्हाट वाज इंपॉर्टेंट, कि ये रिएक्शन सक्सेसफुली क्यों हुआ, व्हाट वाज द रीजन ये रिएक्शन सक्सेसफुली पहुंचा, व्हाट डू यू थिंक? अजिंक्य लोन पेयर था, ऑफकोर्स देर इज वन मोर पॉइंट, ब्रिज कार्बन भी बनेगा। नहीं, ब्रिज कार्बन किधर आ रहा है भाई? नहीं, ब्रिज कार्बन नहीं, सल्फर को इलेक्ट्रॉन मिला, दैट्स फाइन। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज था जो तुम लोगों ने ही जवाब दिया, एंगल स्ट्रेन। ये तीन मेंबर्ड रिंग बनना, यही धमाकेदार पॉइंट था। क्योंकि अगर बच्चा लोग प्लीज अंडरस्टैंड द स्टोरी हियर, कि अगर ये ऐसे होता, सल्फर देर इज CH2 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 एंड Cl। बच्चा लोग प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये अगर इसकी मदद करता कितना मेंबर्ड रिंग बनेगा,
कितना मेंबर ड्रिंक बनेगा, 5, ये स्टेबल होगा ना, तो ये रिएक्शन फिर ऐसे के ऐसे बैठा रह जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई हम तो स्टेबल हो गए, हम रिंग टाई को तोड़ेंगे अब। यू अंडरस्टूड द पॉइंट? ये लोग थ्री मेंबर ड्रिंक का अपने को क्यों ये पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं, थ्री मेंबर ड्रिंक वाला पॉइंट क्यों? हाँ, सल्फर भी पॉजिटिव, दैट्स फाइन। सल्फर यहां से आर को निकाल के रिंग स्ट्रक्चर बना के बैठेगा तो तुमको कोई दिक्कत है? अरे भाई ये थोड़ी बनाना था अपने को, अपने को तो सब्स्टिट्यूशन करना था, तुमने यहां से आर ही गायब कर दिया। ऐसा प्रोडक्ट नहीं, मुझे सब्स्टिट्यूशन करना है। बट चलो प्लीज अंडरस्टैंड, ये हाइड्रोकार्बन ऑनबोर्ड ऐसे तुम्हारे सामने आएंगे और उधर वो लोग मेंशन भी नहीं करेंगे कि भाई एनजीपी के डायरेक्शन में सोचो, बिल्कुल भी मेंशन नहीं करेंगे। क्लियर? नो, न्यूक्लियोफाइल इज OH, सल्फर को एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं बनाना है। प्लीज तुम लोग सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देख के ये मत बोलो कि वो OH माइनस आके इधर अटैच होगा। भाई साहब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया है बिकॉज ही गेव लोन पेयर, प्लीज अंडरस्टैंड, ही गेव लोन पेयर, दैट्स व्हाई सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आया। उसे उसका पॉजिटिव चार्ज तभी नॉर्मलाइज होगा जब उसको इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेगा, OH के साथ बॉन्ड नहीं बनाना है उसे। यू अंडरस्टूड द पॉइंट? यू अंडरस्टूड द पॉइंट, येस और नो? प्लीज OH को इधर मत भेजो। क्लियर हुआ बच्चों? अब मैं तुमको और एक एनजीपी वाला एग्जाम्पल बताता हूं, तुम लोग ये एग्जाम्पल नोट्स में देख सकते हो। बच्चा लोग बहुत सफिशियंट इंफॉर्मेशन दिया हुआ, ये इस कार्बन पे हाइड्रोजन है, OTS ग्रुप है। आई वॉन्ट यू टू प्लीज टेल मी वॉट इज OTS ग्रुप। आई वॉन्ट यू, हाँ ट्रांजिशन स्टेज, हाँ इधर आएगा, यस, और ये डेल्टा माइनस, बराबर ट्रांजिशन स्टेज पे टॉसाइलेट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये इतना इतना फास्ट रिप्लाई आता है ना, आई एम सीरियसली सो हैप्पी कि भाई इतना फास्ट तुम लोग आंसर देगा ना, मजा आ जाएगा एकदम। ऑक्सीजन ऑक्सीजन टॉसाइलेट एस्टर, टॉसाइलेट OTS इज अ गुड लिविंग ग्रुप और अ पुअर लिविंग ग्रुप। Come on, it is a good living group or a poor living group? Come on, good living group or a poor living group? Good living group. बच्चा लो, ये जाने की तैयारी कर रहा है, तो तुम क्या प्रिफर करेगा? चार्ज आए, चार्ज आने के बाद शिफ्टिंग वगैरह करना ये बेटर है, या चार्ज लाओ ही मत यार, चार्ज लेके ही मत आओ जिस ग्रुप से? हाँ घरेलू नुस्खा, दैट्स करेक्ट, घर ही घर में बात निपटा दो ना, बाहर तक यहां से बात इस कार्बन पहुंचेगी, यहां पहुंचेगी, वहां पहुंचेगी, क्यों करना है? ओके, सो ब्रेड रूल नहीं, मैं ब्रेड रूल की बात नहीं कर रहा हूं। ब्रेड रूल कहता है ये ब्रिज कार्बन पे पॉजिटिव और डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, मैं ब्रिज कार्बन की बात ही नहीं कर रहा हूं। अभी बच्चा लोग तुमको 3D इमेजिन करना पड़ेगा, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। OTS जाने की बात कर रहा है तो उसकी मदद कौन करेगा? प्लीज अंडरस्टैंड, थोड़ा सा 3D इमेजिन करना पड़ेगा। ओके, यहां पे हाइड्रोजन नहीं बनाता हूं, ऑफकोर्स हाइड्रोजन होगा। OTS गया, मान लो OTS माइनस सब्ट्रैक्ट हो गया। ओके, तो ये पाई बॉन्ड ने उनकी उस कार्बन की मदद की, तो ये पाई बॉन्ड इधर है दोनों, तो मान लो इस कार्बन ने वो पाई इलेक्ट्रॉन लेके इधर शेयर किया। कैन यू टेल मी हाउ मेनी मेंबर रिंग आर देयर नाउ? रेड वाला, ये रेड वाला, और ये तुमको ये वाला पॉइंट शेड कर देता हूं सो दैट यू कैन टेल मी, रेड और ग्रीन वाला, थ्री मेंबर रिंग, वेरी गुड वेरी गुड, यस 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 यस। बच्चा लोग ये सारे एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे हैं, इनसे डरो मत, ये एग्जाम्पल से प्लीज डरो मत, क्योंकि तुम जैसे ही हाइड्रोकार्बन खत्म करोगे ना,
तुम लोग बोलना शुरू कर दो कि सर वाओ, मतलब हमें बेसिक बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है अभी रिएक्शन समझने में, सिर्फ थोड़ा सा विश्वास रखो। अब ये कार्बन के पास मान लो पाई बॉन्ड होता, कैन यू इमेजिन कि आई मीन आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड बच्चा लोग? हाँ, कोई भी इन दोनों में से कुछ भी रहने दो, इट्स फाइन, इट्स सेम, यस यस कार्तिक, इट्स सेम, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, इट्स एब्सोल्यूटली फाइन। समझ में? और जैसे ही इधर कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये वापिस अपने जगह पे पहुंच जाएगा। हाँ हिमांशु, यस इनकलाब जिंदाबाद बेटा, यस हे, थैंक यू बॉय, थैंक यू बॉय, अजिंक्य, चलो क्लियर क्लियर। हाँ कोमल, कोई फर्क नहीं है बेटा, पहले ये कार्बन मतलब पाई बॉन्ड लेके ये मदद कर रहा है या तो ये कार्बन मदद कर रहा है, दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सिर्फ यहाँ पे अपने को एक चीज बतानी पड़ेगी, ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज या तो ये कार्बन पे, क्योंकि उनसे हम लोगों ने पाई बॉन्ड लिया है ना, पाई बॉन्ड यहां से तोड़ के इसकी मदद कर रहे हैं। ओके पॉजिटिव बताओ, यस यस पॉजिटिव बताओ, पॉजिटिव बताओ, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस है, दैट्स ऑल, कभी ये मदद कर रहा है या ये मदद कर रहा है, इट्स वन एंड द सेम। ओके बच्चा लोग, प्लीज फॉलो द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पे समय बिताओ, ठीक है? एकदम ये तीनों सेक्शन होने के बाद हम रिएक्शंस में तो पूरा मजा आ जाएगा। और प्लीज प्लीज प्लीज, बोर्ड में 12th स्टैंडर्ड में SN1 SN2 रिएक्शन दिया हुआ है, 12th स्टैंडर्ड बोर्ड टेक्स्ट बुक में, प्लीज उसे लर्न कर लें, क्योंकि तुमको उसको ना बाकायदे क्वेश्चन आंसर लिखना पड़ेगा, तुमको बोर्ड में क्वेश्चन ग्राफ के साथ, मैंने पहले भी बताया था, इट्स वर्थ 3 marks, आई थिंक जो भी 3 या 4 marks मैक्सिमम होता है उतने मार्क्स का है, वंस एंड फॉर ऑल लर्न कर लो, ठीक है? क्लियर हो गया, NGP रिएक्शन क्लियर हो गया, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन पे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। NGP पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए, बिंदास करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैं अभी एक बीच में ना एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सडनली मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया बच्चों, सडनली मतलब देर वॉज अ रीजन, क्योंकि ये जो रिएक्शन मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये MS चौहान ने अल्काइल हलाइड वाले सेक्शन, सब्स्टिट्यूशन वाले सेक्शन में इसका जिक्र किया है, तो इसके लिए मैंने ये जो रिएक्शन है एक्चुअली 12th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर का है, लेकिन वहां से सब्स्टिट्यूशन पार्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने उसको उठा के यहाँ एक्सप्लेन पुट कर दिया। एंड अंडरस्टैंड तुमको मतलब अगर मैं तुमसे ये पूछू प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल, हाँ ऋतुजा पूछो ना डाउट बेटा। So, तब तक मीन टाइम सभी लोग सोच लो कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल क्या होता है, ठीक है? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी IUPAC ने किया था,
प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आईयूपीएससी में किया था. ओके सो अगर मैंने इरेज कर दिया वो स्ट्रक्चर, अरे तो नोट से देख के फोटो क्लिक करके पूछना मुझसे, नोट्स में दिया है मैंने वो, ये सेम नोट्स का ही एग्जांपल था, अलग कुछ नहीं था. ओके नाउ मेरी बात ध्यान से सुन. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज, या मस्ट बी प्राइमरी अश्वथ, दैट्स करेक्ट. ये रिएक्शन इज कॉल्ड एज ग्रूव्स मेथड. तुम लोगों को ना नेक्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड तुमको ना एक छोटी नोटबुक मेंटेन करनी होगी, स्मॉल 200 पेजेस का नोटबुक, जिसमें हम चैप्टर बाय चैप्टर रिएजेंट लिखेंगे. रिएजेंट अपने हाथों से, जैसे ये करते हैं ना हम लोग, पिरिडीन एचसीएल के साथ रिएक्शन इन्वर्जन हुआ, नॉन पिरिडीन, सिर्फ उसमें रिएजेंट मेंशन करेंगे. शॉर्टकट मतलब सिर्फ रिएजेंट, उसके अलावा कुछ नहीं मेंशन करने का उसमें. रिएक्शन का नाम रिएजेंट, रिएक्शन का नाम रिएजेंट. द वे फॉर्मूला बुक कैसा होता है छोटा सा, सब फॉर्मूले चैप्टर बाय चैप्टर लिखे होते हैं वैसे. लेकिन नेक्स्ट चैप्टर ऑन बुक मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना. और एग्जाम के दो हफ्ते पहले ना मैं सब काम छोड़ के तुमको सिर्फ वही रीड करने को कहूंगा, सब काम छोड़ के. अंडरस्टूड? सो इसलिए वो अपडेट करते रहना. मैंने मेरे नोट्स में प्रॉपर उसे अरेंज करके दिया है, नीड नॉट वरी एट ऑल. ठीक है, बट तुमको अपने हाथ से जब लिखोगे ना तो तुम्हें याद रहेगा. इस ग्रुप्स मेथड को करने के लिए जो रिएजेंट मैं यूज करने वाला हूं उसको कहते हैं लुकास रिएजेंट. सब्स्टिट्यूशन के एंड नहीं है बेटा, SN1 SN NGP का एग्जांपल खत्म होने के बाद है. आगे वहां पे लिखा है लुकास रिएजेंट टेस्ट कर, पेज 67. ओके कार्तिक, थैंक यू बॉय. ओके बच्चा लोग, इस रिएजेंट में मैं यूज करने वाला हूं कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस अनहाइड्रस. ओके बच्चे लोग, प्लीज हेल्प मी विद दिस पार्ट. व्हाट डू यू मीन बाय अनहाइड्रस ZnCl2? इस चीज का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय अनहाइड्रस ZnCl2? नो वाटर, यस, नॉट हाइड्रेटेड, एब्सोल्युटली करेक्ट. बच्चे लोग जब ये लोग हाइड्रेटेड नहीं है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो ये लोग एकदम मतलब पोलैरिटी इनके अंदर होती ही नहीं है. यश, दैट वाज बेटर वर्ड, नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दैट्स करेक्ट. अभी अगर वाटर नहीं है तो ऑफकोर्स पोलैरिटी नहीं होगी, अगर पोलैरिटी नहीं है तो वो लोग लिंक नहीं हो सकते. अब ZnCl2 अगर अनहाइड्रस है तो ठीक है, हाइड्रस ZnCl2 क्या होगा? हाइड्रस ZnCl2 मतलब दैट्स करेक्ट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. अभी मैं तुमको एग्जैक्ट इसका फॉर्मूला बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं तुमको ये बता रहा हूं कि हाइड्रस होने की वजह से क्या होगा. मेरी बात सुनो, पोलैरिटी एक्टिवेट होगी. पोलैरिटी एक्टिवेट होने के कारण बच्चा लोग प्लीज मेरी बात समझना, ये जस्ट फॉर योर इमेजिनेशन, बेटर अंडरस्टैंडिंग. मैं इसे इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इधर वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है. ZnCl2 अभी इनकी पोलैरिटी एक्टिवेट होने के कारण ना जो मेटालिक पार्ट है वो दूसरे के क्लोरीन को अटैच करता है, जो क्लोरीन पार्ट है वो दूसरे के जिंक को अटैच होने की कोशिश करता है. मेरी बात समझ में आई? दैट मींस द सेम स्टोरी कंटिन्यूज हियर. समझा बच्चा लोग? ये ऋतुजा नॉट एग्जैक्टली पॉलीमर,
इज जस्ट अ पोलैरिटी की वजह से बॉन्डिंग. पॉलीमर इज प्रॉपर बॉन्ड जिसकी वजह से वो पॉलीमर बनते हैं. दे आर नॉट पॉलीमर, दे आर जस्ट वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. पहले पानी ना होने के कारण ZnCl2 दूसरे ZnCl2 को पहचानते नहीं थे. अब क्या हो गया भाई साहब, बाकायदे पहचानते हैं. मेरी बात समझ में आई? यस और नो? यस और नो? क्लियर? उसकी वजह से क्या हुआ, जैसे ही सॉल्यूशन में वाटर आया ना, वाटर ये फॉर्म हुआ. ये फॉर्म होने के कारण सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, आयोनिक प्रोडक्ट, याद करो प्रेसिपिटेशन, आयोनिक प्रोडक्ट, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, याद है? जैसे ही ये बना वैसे ही प्रेसिपिटेशन हुआ, मतलब सोल्यूशन टर्बिड हो गया. टर्बिड, टर्बिड का मतलब समझ में आ रहा है? टर्बिड का मतलब थोड़ा सा मिल्की हो गया सोल्यूशन. अंडरस्टूड? यस और नो? क्लियर? यस यस यस. यश, मिल्की हो जाना मतलब ये लोगों का जब लिंकेज होगा ना तो वो लोग मल्टीपल यूनिट्स बनाएंगे. मल्टीपल यूनिट्स बनाएंगे यानी सॉल्यूशन में इनका प्रेजेंस दिखेगा. तो अभी मैं एकदम सिंपल एग्जांपल दे दूं कि एक किसी मिल्क, मतलब एक ग्लास में मिल्क था, अनक्लियर सॉल्यूशन, अनक्लियर, हाँ अनक्लियर सॉल्यूशन, ओ मतलब सॉल्यूशन लिक्विड की बात कर रहा है. ओके ओके, या लाइक CaCO3 वाटर, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट. अब मेन मुद्दा ये है, ये ऐसा कब हुआ? जब वाटर आया. ऐसा कब हुआ? जब वाटर आया. बराबर? यस और नो? बराबर. लेकिन वाटर अब कौन तेजी से दे रहा है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्टिंग्विश्ड टेस्ट बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल. बच्चा लोग ये वापस अल्कोहल चैप्टर में आएगा. मैं तुमको, मैं मतलब एडवांस बैचेस में हम क्या करते थे पता है? पहले ये पढ़ाने के बाद ना अल्काइल हैलाइड नाम का चैप्टर ही नहीं करते थे. सिलेबस में अल्काइल हैलाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी क्योंकि ये पूरा अल्काइल हैलाइड कर देता था. ठीक है? तो मतलब लेकिन यहां पर हम करेंगे, डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप करेंगे. ठीक है? सो अल्कोहल ग्रूव्स मेथड जो है वो अल्कोहल 1, 2, 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के, तुमको एक लिक्विड सैंपल दिया मैंने, अल्कोहल है दैट इज फॉर श्योर, अल्कोहल है दैट इज फॉर श्योर, ओके अल्कोहल है दैट इज फॉर श्योर. लेकिन कौन सा अल्कोहल? ओके, सो कौन सा अल्कोहल है? उसके लिए हम लोग ग्रुप्स मेथड करते थे. व्हाट इज दैट? सी, चलो मैंने HCl क्यों यूज किया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एंड आई एम 100% श्योर कि तुम मुझे बता दोगे कि मैंने HCl क्यों यूज किया. कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन किड्स, टू रिमूव H2O. भाई भाई भाई, जहर है, जहर थोड़ा सा ही पीऊंगा. अरे नहीं यार, सब्स्टिट्यूशन कौन कर रहा है इधर? अभी फिलहाल पहला रीजन बताओ, सब्स्टिट्यूशन बाद में अपने आप होगा. नो नो यार, तुम लोग मुद्दे की बात नहीं कर रहे हो यार.
नहीं, अनीश नहीं यार, कुछ और है। अरे मैं अभी हिंट दूंगा, इज एज गुड एज आंसर यार। नेक्स्ट वाला पार्ट, इफ आई गिव हिंट इट इज एज गुड एज आंसर। नो श्रिया नो, कम ऑन, ऐसे मत करो। नो नो नो, मैंने एसिड का यूज क्यों किया, एसिड HCl का यूज क्यों कर रहा हूं मैं? थिंक थिंक, कम ऑन। या मीट, यू आर ऑन राइट ट्रैक। मीट या प्रणव, यू आर ऑन राइट ट्रैक। यस, उससे क्या होगा आगे का स्टेप, उससे क्या होगा? नहीं जियान, नो 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 एसिड बेस, नो रिडक्शन, नो। या ऋतुजा, ऋतुजा कंटिन्यू, कम ऑन। यस, आगे बढ़ो ऋतुजा, कम ऑन कम ऑन। नो प्रणव, नो नो, पीएच विल इंक्रीज। ओके ऋषि, आगे आगे। या ऋतुजा, मतलब ऋतुजा कह रही है कि यहां पर एच प्लस निकलेगा। हम लोग पहला स्टेप कर रहे हैं प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन वॉज वन ऑफ द मेथड टू रिमूव ओ एच। या प्रोटोनेशन, एक वर्ड में तुम्हारा आंसर आ जाता, प्रोटोनेशन, बात खत्म। तो सर मैं यहाँ पे कोई भी एसिड ले सकता था, यस, लेकिन यहाँ पर मैंने HCl ही क्यों लिया? मैं तो हमेशा H2SO4। हाँ अजिंक्य सी, ही इज आस्किंग कि सर यहाँ पे H2SO4 क्यों नहीं लिया? कमान कमान जल्दी, दिस इज गुड क्वेश्चन कि सर प्रोटोनेशन करने के लिए आपने HCl क्यों लिया? क्योंकि मैं यहां चाहता हूं कि OH निकल के क्लोरीन आ जाए। H2SO4 अगर मैं लूंगा तो उसका जो OH वो 3H पार्ट है, क्या वो आएगा सब्स्टिट्यूशन करने यहां पर? यस ना, अंडरस्टैंड। सी ये, दिस इज हाउ अपना अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनिक को लेके बढ़ता है। ठीक है, DTBD या कोमल, ये वर्ड कहां से ढूंढ लिया बेटा? या ये ऐसे नाम का एक रिएजेंट है, इसके लिए मैंने बोल पूछा तुमको। DT नहीं, वो TB करके कुछ नाम है। ठीक है, ओके। बाहर कौन निकला? ये पानी निकला, H2O। ओके ओके, बट बच्चा लोग, आई होप यू रिमेम्बर, रादर मैंने यहाँ पे लिखना चाहिए वो OH निकलने के बाद देर विल बी अ पॉजिटिव चार्ज, ये वाटर निकला, और इधर Cl- के कारण इधर हो जाएगा CH3। ओके क्लियर, नेक्स्ट स्टेज। बच्चे लोग, नाउ आई नीड योर हेल्प। हाँ मैं लास्ट वाला पार्ट कर रहा हूं। गाइज प्लीज टेल मी, मुझे चाहिए सभी लोग इस पॉइंट का आंसर दें। सबसे फास्ट OH कौन रिलीज करेगा? यहां नीचे CH3 है, दिख नहीं रहा हो तो। ओके थर्ड वाला,
थर्ड वाला ऑफ कोर्स यहाँ प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ऑफ कोर्स लास्ट वाला सबसे फास्ट रिलीज करेगा H2O। यस, फर्स्ट वाला रिलीज ही नहीं करेगा भाई साहब। यानी वाटर जब सबसे तेजी से यहाँ रिलीज हो रहा है तो टर्बिडिटी सबसे फास्ट कहां पर आएगा, कहां पर आएगा, थर्ड वाले में। तो मैं यहां पे लिखता हूं 3 डिग्री अल्कोहल विल गिव इमीडिएट टर्बिडिटी इमीडिएटली। यानी अगर तुमको टर्बिडिटी इमीडिएटली आ गई, टर्बिडिटी आफ्टर 5 to 10 minutes, 5 to 10 minutes, and 1 degree alcohol, it says no turbidity. It says no turbidity. बच्चों distinguish समझ में आया? बच्चा लोग distinguish समझ में आया? Yes or no? इसको primary वाले को heat करोगे ना बच्चों, मेरी बात समझो, प्राइमरी वाले को हीट करोगे ना तो टर्बिडिटी दिखेगी। जैसे पानी ठंडा होगा ना वापस गायब हो जाएगा। जबरदस्ती की बात होती है ना, हीट करोगे मतलब जबरदस्ती उसको निकालने की कोशिश कर रहे हो। समझ में मैंने क्या कहा? यहाँ कोई थर्ड वाले में कोई जबरदस्ती नहीं। टर्बिडिटी मतलब अभी एक कांच के ग्लास में मान लो मिल्क पी के रख दिया तुमने, उसके बाद अंदर उसमें पानी डालते हैं तो कैसा गंदा पानी दिखता है, व्हाइटिश, वो बच्चे लोग समझ में आ गया? समझ में आ गया? अरे अब तो ठीक है ना भाई, मैं साइड स्क्रीन में नहीं हूं। अरे कम ऑन द राइट, स्क्रीन में दिख ही नहीं रहा हो कोमल। अजीब देश है हमारा, स्क्रीन में नहीं है तो भी डांटते सर को। या तुहिन, यस आई एक्सप्लेन यू, वाटर ऑफ हाइड्रस मतलब इस तरह का टर्बिडिटी दिखेगा, इसके कारण टर्बिडिटी हो रहा है तुहिन। तो जब तक वाटर आएगा नहीं, अंडरस्टूड, जब तक वाटर आएगा नहीं तब तक ये होगा नहीं। तो जितना जल्दी तुहिन वाटर बनेगा उतना जल्दी टर्बिडिटी आएगा। समझा बेटा? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? क्लोरीन, क्लोरीन इस रिएक्शन में मुझे इथाइल क्लोराइड, ये क्लोरीन अटैच करना है, HNO3 नहीं लेना है मेरे मुझे। बच्चा लोग समझ में आ रहा है? ऑर्गेनिक लोगों को थोड़ा 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 थोड़ा, यस और नो, किसी को कोई दिक्कत? हो गया लिख के कोमल, सामने आ सकता हूं मैं अभी? ये देखो कब का हो गया था, और सर बेचारे बाजू में खड़े। कैसे लोग होते हैं ना, मतलब गद्दारी की भी हद होती है भाई। HNO3 से निकल जाएगा, OH निकल जाएगा, एसिड के प्रेजेंस से OH निकल जाएगा, ओके? लेकिन मुझे क्लोराइड वाला प्रोडक्ट चाहिए, ZnCl2 conc HCl, क्लोरीन वाला प्रोडक्ट चाहिए, ओके गाइस? अब बच्चा लोग प्लीज कोशिश ये करो, कल के दिन में चारों सब्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ लो,
रीजन इज जो लोग एडवांस वाले हैं उनको अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा. ओके मैं मंडे को आई बी स्टार्टिंग विथ एलिमिनेशन रिएक्शन. तो एलिमिनेशन रिएक्शन इजी भी है, जल्दी भी होगा. ओके बस कंटेंट बहुत सारे हैं या नोट्स में है ना, एलिमिनेशन दिया है मैंने, पूरा आरएम का नोट्स दे दिया तुमको. तो सब्स्टिट्यूशन प्लीज अच्छे से उस सब्स्टिट्यूशन पार्ट खत्म कर दें. इज दैट क्लियर किड्स? यस. Done, kids. Okay. So, substitution, please, isomerism और RM भी revise करे. Next week जब test आएगा तो हम लोग RM, ISO और GOC तीनों को compile करेंगे. So GOC revision is must बच्चों, because RM खत्म होने के बाद शुरू करूंगा hydrocarbon, और hydrocarbon जो है उसको ये तीनों chapter बहुत जरूरी है. उसके बाद ना रिएक्शन ऐसे उंगलियों पे नाचेंगे तुम्हारे रिएक्शन, बिलीव मी. ये तीनों चैप्टर सिर्फ बैकअप में अच्छा रखना, बाकी तीनों रिएक्शन एकदम, मतलब उसके बाद इन तीनों चैप्टर के बाद रिएक्शन ऐसे नाचेंगे उंगलियों पे, और वही करना है अपने को. अंडरस्टूड? एक्चुअल मतलब इन सारे दांव पेज जो हमने सीखा है ना हाइड्रोकार्बन में शुरुआत करनी है, उनको यूज करनी. इज दैट क्लियर? सो प्लीज 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 उसे रिवाइज करें. आइसोमेरिज्म का काम दिया है उसे खत्म करें. ठीक है, हर इंडिविजुअल उस चीज को अपडेट करेगा. ठीक है गाइस? ओके चलो, पोर्तुगल वर्सेस जर्मनी. चलो ओके. हाँ श्रावणी देख लो बेटा, बोर्ड देख लो. बाय किड्स, बाय. हिमांशु मंडे को रखेंगे बेटा एडवांस का लेक्चर. ओके बाय किड्स, बाय, टेक केयर, हैव अ हैप्पी वीकेंड. Bye.